गाइस ये तो आप जानते कि पानी में करंट फैलता है। कहा जाता है कि पानी और करंट का काफी ज्यादा याराना है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई बिजली का तार नदी में गिर जाए तो क्या होगा। तो चलो जानते हैं गाइस। आपको बता दें कि पानी में करंट फैलने के लिए सिर्फ पानी की ही जरूरत नहीं होती बल्कि पानी का अशुद्ध होना भी जरूरी है। अगर पानी शुद्ध है तो इसमें बिजली यानी करंट का इतना असर नहीं पड़ता। ऐसे में कहा जाता है कि पानी के शुद्ध और अशुद्ध होने पर निर्भर करता है कि पानी में करंट कितना फैलेगा। इसलिए माना जाता है कि बहते पानी में इसका असर कम होगा। अगर वहां कुछ तालाब या जहां पानी इकट्ठा हो या फिर कुछ दूर पानी पड़ा हो वहां हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। अगर पानी अशुद्ध हो तो करंट के वोल्टेज पर निर्भर करता है कि करंट कितनी दूर तक फैलने वाला है। अगर नदी में बिजली का तार गिरे और वहां कोई तैर रहा हो तो उसकी गहराई तार से दूर या फिर तार के वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगर वह तार के पास हो और वोल्टेज भी ज्यादा हो तो उसे नुकसान भी हो सकता है। गाइस ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।